डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले क्लास में अवतल दर्पण से जुड़े हुए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब और उसका आरेख खींचा था। यानी कि जब कोई वस्तु अगर कहाँ पर रहेगा, ठीक है, कि वस्तु का स्थिति कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो स्पेशल किस दर्पण में हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्पेशल हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ रहे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसका पोजीशन, उसका स्थिति किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। यानी कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु का स्थान कहाँ रहता है तो उसका प्रकृति, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो लिखा जाए टॉपिक, उत्तल दर्पण में बनने वाले, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखा जाए वस्तु का स्थान, एक तरफ लिखा जाए वस्तु का स्थान, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा जाए प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान। फिर लिखा जाए प्रकृति, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्रकृति। चलिए पहला लिखा जाए, पहला लिखा जाए अनंत पे, ठीक है। वस्तु कहाँ रखेगा, अनंत पर, यानी कि वस्तु अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर, याद रखिएगा फोकस पर, ठीक है। यानी कि जब वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। अब इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति के बारे में जानना चाहिए कि इसमें आभासी बनता है, आभासी, सीधा तथा बिंदु मात्रा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब ये सभी उत्तल दर्पण में ही है। और ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में टोटल सात तरह का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र और मात्र दो ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। पहला, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और प्रकृति क्या होगा उसका, तो आभासी, सीधा तथा बिंदु मात्र, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु मात्र, ठीक है। बी नंबर, दो नहीं लगभग तीन बनता है इसमें उत्तल दर्पण में, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो तीन तरह का बनता है। पहला अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और कैसा बनेगा, तो आभासी, सीधा तथा बिंदु मात्र। दूसरा में अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच, यानी पी मतलब ध्रुव के बीच, ठीक है। तो जब अनंत और पी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एवं ध्रुव के बीच, यानी कि एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा में हम लोग क्या देखें कि वस्तु अगर अनंत और पी के बीच रहेगा, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अनंत और पी के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ तथा पी के बीच, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब का प्रकृति क्या बनेगा, तो इसमें भी लिखेंगे आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा,
वस्तु से छोटा है। याद रखिएगा इसमें कैसा बनेगा, तो आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, ठीक है। चलिए उसके बाद सी नंबर में, यानी कि जब वस्तु पी पर रखेंगे, पी मतलब ध्रुव पर, ठीक है, पी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी पर, यानी कि ध्रुव पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी सीधा और बराबर, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तल दर्पण में अगर वस्तु का स्थान पी पर रहेगा तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, पी पर, यानी वस्तु का अगर पी पर रहेगा यानी कि ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब का स्थान ध्रुव पर, और उसका प्रकृति आभासी सीधा और बराबर, ठीक है। यानी कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए अब इनका हम लोग आरेख देखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब इसका आरेख हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो आरेख में क्या क्या है, तो पहला आरेख, अब लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक लिखा जाए उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख, वो हम लोग पहला नंबर ए नंबर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु अगर अनंत पे होगा तो हम लोग उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनाते हैं, और कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में आपको जानना चाहिए कि इसका अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग पेंट रहता है, ठीक है, अंदर वाला भाग पेंट रहता है। यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर है, इसका केंद्र तो इधर होगा और इसका फोकस इधर होगा। अब यहाँ पे समानांतर किरणें जैसे ही यहाँ पे आएगा तो, ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों को पहला डायग्राम होगा कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। देखिए ये अनंत से वस्तु का आरेख आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अनंत, अनंत, अनंत से अगर आरेख किरणें आ रही है तो दर्पण से टकराकर ये ऊपर मुड़ गई, ठीक है, ऊपर मुड़ गई। और इसको जब हम लोग पीछे मिलाएंगे वो कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। तो इसका जो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर, दूसरा आभासी सीधा, ठीक है, और बिंदु मात्र बनता है, बिंदु मात्र। आभासी क्यों, क्योंकि ये दर्पण के दाईं तरफ है, जब दर्पण के दाईं तरफ बनता है तब हम उसको आभासी और सीधा बोलते हैं, और वो बिल्कुल छोटा बनेगा, एक बिंदु के जैसा बनेगा, जिसको बिंदु मात्र बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को सिचुएशन कुछ इसी तरीके का है कि जब वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, क्लियर। तो अभी हम लोग आरेख को देख रहे हैं जिसमें से तीन इसमें होते हैं। जैसा कि आपको पता है अवतल में टोटल तरीके के 7 केस बनते हैं और उत्तल में हम लोगों को 3 केस बनते हैं। पहला हम लोगों को हो गया, दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच, ठीक है। दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और पी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो,
ठीक है। अब हम लोग सबसे यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में अंदर वाला भाग को कलई किया हुआ रहता है। अब इससे एक रेखा गुजरता है जिसको पी बोलते हैं, इसका केंद्र इधर होगा तो इसको हम लोग सी बोलेंगे और यहाँ पे एफ बोलेंगे, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ है, अनंत और पी के बीच, यानी कि अनंत और पी के बीच अगर हम वस्तु रखेंगे तो कुल मिलाकर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और पी के बीच अगर इसको वस्तु को रखेंगे तो हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच इसका बनेगा, यानी कि इधर अनंत है और पी है, यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे ए बी, ठीक है। तो जब इस अनंत और पी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच, ठीक है। फोकस यहाँ है और ध्रुव यहाँ है, यानी इसके बीच बनेगा। सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग एक समानांतर किरणें गुजारेंगे तो दर्पण से ऐसे टकरा कर लौटेगा, ये फोकस से होकर गुजरा, ठीक है। और एक और यहाँ से निकला कैसे, तो यहाँ से अगर ऐसे आया किरणें तो ये ऐसे निकल गया, और जब इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे हम लोगों को टकराया, तो पता चला कि ये वस्तु से क्या मिला, छोटा मिला, ए डैस बी डैस। ये देखिए पी तथा एफ के बीच का बना प्रतिबिंब जिसको हम लोग ए डैस बी डैस बोलते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ कहाँ, अनंत और पी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे ए बी, तो इसके समानांतर आने वाली किरणें इस तरह की लौटी, और इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएगा तो फोकस से होकर गुजरा। फिर यहाँ से अगर किरणें आए तो यहाँ से वापस आ गए, और फिर जब इसको पीछे की ओर, इसको पीछे की ओर अगर मिलाया जाए तो ए डैस बी डैस हम लोगों को यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना, यहाँ क्या है प्रतिबिंब, ठीक है, ए डैस बी डैस। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, पी तथा एफ के बीच, ठीक है, पी तथा एफ के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी तथा सीधा, और वस्तु से क्या, तो छोटा, वस्तु से छोटा। लेकिन तीसरा एक पॉइंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव पर, यानी कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, ध्रुव पे। तो लिखेंगे जब वस्तु को, जब वस्तु ध्रुव पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर, यानी कि उत्तल दर्पण है और यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। जब दोस्त पी पर ही रखा जाए एक वस्तु को ए बी, ठीक है, पी पर ही रखा जाए, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई यहाँ पे किरण इधर उधर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल केंद्र पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि पी पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, और कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। तो आज हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, टोटल तीन तरीके के होते हैं, और इस तीनों का हम लोग आरेख खींचे, आरेख का मतलब फिगर, डायग्राम। तो इन आरेख को बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेट बनाइएगा इंच की सहायता से, ठीक है, ताकि बिल्कुल सीधा हो, और यहाँ पे अच्छा कर्व बनाइएगा। अंदर वाला जब सतह पेंट किया रहता है तब वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हम लोगों को दिख रहा है एक उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण में हम लोग इसका बनने वाले प्रतिबिंब को देखें और इसका तीन तरीके का आरेख भी खींचें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।